हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवपाल सर फ्रॉम शिवाई क्लासेस। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वन सीखेंगे। 10 का फर्स्ट वन और सेकंड वन सेम एक जैसा ही सम है। हमें जो प्रूव करना है 5x + 4, वो देखो लेफ्ट साइड x + 4 2x x + 4 2x 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 x + 4। हमें जो ये प्रूव करना है सबको ऐड करने पर मिल जा रहा है। R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 + R2 + R3 सबको ऐड कर लो, तो 2x 2x 4x and 1x 5x 5x + 4 then 5x + 4 and 2x as it is x + 4 2x 2x x + 4 taking out common 5x + 4 right, then 1 2x 2x 1 x + 4 2x 1 2x x + 4 then रो में 1 1 1 आ गया तो कॉलम को माइनस कर देंगे। हम करेंगे C1 - C2 and C2 - C3 then 5x + 4 1 - 1 = 0 2x - x - 4 x - 4 2x - 2x = 0 1 - 1 = 0 x + 4 - 2x x + 4 - 2x तो 4 - x then 2x - x - 4 then 1 2x x + 4। अभी देखो फर्स्ट कॉलम में हमें जो प्रूव करना है 4 - x तो फर्स्ट कॉलम में 4 - x सेकंड कॉलम में 4 - x कॉमन ले लेते हैं राइट, देन 5x + 4 and 4 - x फर्स्ट कॉलम में 4 - x सेकंड कॉलम में, तो ये हो गया 0 1 0 - 1 0 यहाँ पर हो गया 0 1 - 1 1 2x and x + 4। अब हम इसको एक्सपांड कर लेंगे, 2 0 आ गए हैं इसमें एंड दिस इज 4 - x 2 times आया है, देन वी विल राइट 4 - x होल स्क्वायर, देन एक्सपांड कर लो इसको, अभी 2 0 आ गए हैं तो ये 0 - 0 + 1 ये रो निकल जाएगा और ये कॉलम और रो निकल जाएंगे तो क्या हो गया 1 - 0 5x + 4 4 - x² × 1 5x + 4 4 - x² hence proved। Then second one of the question number 10 Hello next question number 10 सेकंड वन सेम वैसा ही है फर्स्ट वन के जैसा y + k y y। तो हम क्या करेंगे,
फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो को ऐड कर लेंगे, देन आर वन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो वाई वाई एंड वाई, वाई प्लस वाई प्लस वाई, थ्री वाई प्लस के, देन थ्री वाई प्लस के, थ्री वाई प्लस के, वाई 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 प्लस के, वाई 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 प्लस के। अब देखो फर्स्ट रो में थ्री वाई प्लस के आया है, तो टेकिंग आउट कॉमन, थ्री वाई प्लस के कॉमन ले लिया, राइट, देन वन वन वन, वाई वाई प्लस के, वाई 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 प्लस के। और जब भी वन वन आ जाता है, अगर रो में आए तो कॉलम को माइनस कर देते हैं, कॉलम में आए तो रो को माइनस कर देते हैं। तो अब हम रो में आया हुआ है वन वन वन, तो कॉलम को माइनस कर देंगे, सी वन माइनस सी टू एंड सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी थ्री, वी विल गेट थ्री वाई प्लस के, वन माइनस वन जीरो, वाई माइनस के माइनस के, वाई माइनस वाई जीरो, देन वन माइनस वन जीरो, वाई प्लस के माइनस वाई के, वाई माइनस के, देन वन वाई वाई प्लस के। अभी फर्स्ट रो में दो जीरो आ गए हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपांड कर देंगे, थ्री वाई प्लस के, जीरो माइनस जीरो प्लस वन इन टू, ये रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो हो गया के स्क्वायर माइनस जीरो, थ्री वाई प्लस के इन टू के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर थ्री वाई प्लस के, हेंस प्रूव्ड। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।